नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन ऑन कर लीजिए ताकि नर्सिंग भर्तियों से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की एक वैकेंसी आ चुकी है जो लेवल 7 की वैकेंसी है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, जीएनएम, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और कितना एक्सपीरियंस आपको चाहिए। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। कब से कब तक फॉर्म भर पाओगे और टोटल कितनी पोस्ट है इसके बारे में वीडियो में बताने वाला हूँ। तो फटाफट से आगे बढ़ने से पहले इतना कर लीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। तो चलिए दोस्तों, ये वैकेंसी आ रखी है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी आई है। इसकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो कितनी है, वो 22 देख सकते हो आप यहाँ पे, 22 जनवरी 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हो। और जो इसकी जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा उसको प्रिंट कर सकते हो आप 27/1/2024 तक शाम को 5 बजे तक। इसकी जो फॉरम पीस लगने वाली है नॉन रिफंडेबल पीस रहेगी। यहाँ पर आप देखोगे कि जनरल और ओबीसी यूआर देख सकते हो, यूआर कैटेगरी, यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो ग्रुप ए की जितनी भी पोस्ट है, ग्रुप ए के जितनी भी पोस्ट है उनमें 1000 रुपये, बाकी अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये लगने वाली यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। और नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आती है ग्रुप बी की वैकेंसी है। एससी एसटी जो भी कैंडिडेट है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और इसके अलावा वुमेन कैंडिडेट, जितने भी फीमेल कैंडिडेट है, चाहे वो ग्रुप ए के लिए अप्लाई करें, ग्रुप बी के लिए अप्लाई करें, कोई पेमेंट उनको नहीं देना है, ठीक है। चलिए टोटल कितनी वैकेंसी है अपन देख सकते हैं। ग्रुप ए में 31,000 की वैकेंसी यहाँ पर बता रखी है, ग्रुप बी में अलग अलग वैकेंसी है। तो ग्रुप बी में आप यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर अपने जिसकी बात कर रहे हैं चीफ नर्सिंग ऑफिसर जो है उसकी कौन सी है, ग्रुप बी की वैकेंसी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ग्रुप बी की वैकेंसी और ग्रुप ए की वैकेंसी यहाँ पर। तो बात करते हैं अपन नर्सिंग ऑफिसर की, तो नर्सिंग ऑफिसर की दो वैकेंसी इसमें दो तरह से दे रखा है, मेल की अलग सीट है, फीमेल की अलग सीट है। यहाँ भी 80-20 का रूल है वो लागू हो रहा है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही जो भी वैकेंसी की अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। तो यहाँ पर आप देखो कि 70 जो वैकेंसी है ये जो आगे कैटेगरी वाइज दे रखी है, 70 और 16 और 25 13 45 और 7, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज डिवाइडेशन यहाँ पर कर रखा है। मेल की भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो टोटल कितनी होती है, टोटल आप देखो यहाँ पर 95 और 7 कितनी होती है, 174 वैकेंसी तो किसकी है, फीमेल कैंडिडेट के लिए है। अगर मेल की बात करें तो 29, 29, 29, 5, 34, 34 और 45 मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर वैकेंसी, यानी कि 176 + 45 जो टोटल वैकेंसी है, तो आप देख सकते हो 12 और 221 वैकेंसी आपको देखने को मिली नर्सिंग ऑफिसर की। अब ये कौन से लेवल की है, ये वैकेंसी आपकी लेवल 7 की है और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या रखा है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर रखा है बीएससी नर्सिंग, रेगुलर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आप रजिस्टर्ड एज ए नर्स और एज ए मिडवाइफ आप रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, कोई से स्टेट नर्सिंग काउंसिल से होना चाहिए। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो देखने को मिल रही है वो क्या मिल रही है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में। कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। पहले एक्सपीरियंस 6 महीने का मांगा जाता था बीएचयू में, लेकिन अब 1 साल का मांगने लग गए हैं। इसके अलावा जो डिप्लोमा वाले हैं, जीएनएम वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनके पास भी रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस उनसे मांगा गया है मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में। और जो एज लिमिट होती है मैक्सिमम 30 ईयर आपकी होना चाहिए, इससे ज़्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते यूआर कैटेगरी के, बाकी आपके एज के अकॉर्डिंग या आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा अलग अलग तरीके से। फॉर्म भरने के लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, फॉर्म भरने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो लिंक पर क्लिक करके, ठीक है। 22 जनवरी 2024 से पहले आप अपना फॉर्म भर सकते हो, इसके बाद आप फॉर्म भर नहीं पाओगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो कमेंट जरूर करना। और अगला वीडियो आपका आएगा कि BHU का जो सिलेबस रहेगा वो क्या रहने वाला है, कौन कौन से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आएंगे, उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आने वाला है। तो चैनल को फटाफट से आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।